हेलो नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में भूकंप को लेकर बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। पूरे राजस्थान में हड़कंप मच गया है। दरअसल राजस्थान में बीती रात एक के बाद एक भूकंप के झटके लगे हैं। जयपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, टोंक, जालौर, बूंदी जैसे शहरों में ये झटके महसूस किए गए हैं। डर के मारे लोग घरों से बाहर तक नहीं निकले। कई शहरों में दरवाजे खिड़कियां खड़खड़ाने लगी थी। गनीमत रही कि फिलहाल किसी भी तरह की जान मान के नुकसान की खबर नहीं मिली है। वहीं भूकंप का केंद्र जयपुर और गंगानगर जिलों में धरती के कई किलोमीटर नीचे रहा। धरती तब हिली जब आधी रात लोग सो रहे थे। झटकों की तीव्रता कम होने के कारण ज्यादातर लोगों को भूकंप आने का एहसास तक नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले भूकंप श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में आया। इसका केंद्र पाकिस्तान की सीमा के बिल्कुल नजदीक था और जमीन के 10 किलोमीटर नीचे था। यहाँ रात करीब 12:27 पर झटके महसूस किए गए हैं। इसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 3.7 रिकॉर्ड की गई। इसके 8 मिनट बाद ही जयपुर में भी धरती हिलने लगी थी। रात करीब 12:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस बार तीव्रता 3.6 दर्ज की गई थी। इस भूकंप का केंद्र जयपुर के फागे और चाकसू के बीच रहा। यह भी धरती से करीब 10 किलोमीटर अंदर था। सो दोस्तों, भूकंप को लेकर बेहद ही बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।